सिर्फ कुछ उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने का इरादा नहीं। मोहन भागवत ने बताया आरएसएस क्यों नहीं मनाएगा अपना शताब्दी वर्ष। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ष 2025 में अपना शताब्दी वर्ष नहीं मनाएगा। महज कुछ उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने का कोई इरादा नहीं है। ये बेहद चिंताजनक कि आरएसएस को कुछ लक्ष्यों को हासिल करने में 100 वर्ष लग गए। हालांकि इस मंद गति के बदलाव का कारण 2000 सालों के सामाजिक पतन से जूझना रहा है। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ष 2025 में अपना शताब्दी वर्ष नहीं मनाएगा। महज कुछ उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने का कोई इरादा नहीं है। ये बेहद चिंताजनक है कि आरएसएस को कुछ लक्ष्यों को हासिल करने में 100 वर्ष लग गए। हालांकि इस मंद गति के बदलाव का कारण 2000 सालों के सामाजिक पतन से जूझना रहा है। एक पुस्तक के विमोचन पर भागवत ने गुरुवार को कहा कि जब 1925 में नागपुर में आरएसएस का गठन हुआ था, तब पदाधिकारियों को कड़े विरोध, संसाधनों की कमी और लोगों को जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में स्वयंसेवकों को अपना काम करते रहना चाहिए। संघ का शताब्दी वर्ष मनाने की कोई जरूरत नहीं है। संघ इसे संगठन का अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है। संघ किसी संगठन के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने और कुछ उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने नहीं आया है। संघ समाज को बदलना चाहता है और मानता है कि समाज की जीत का आकलन धन सृजन से नहीं बल्कि धर्म से होना चाहिए। इस समाज की जीत अन्य समाज को सशक्त बनाएगी और अंततः जगत को लाभ पहुंचाएगी। संघ ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता है जो इस तरह से समाज में सुधार लाने की कोशिश करें। कुछ बुनियादी गलतियों का इलाज जरूरी। संघ के सरसंघ चालक ने कहा कि विदेशियों ने हमारे लोगों को पट्टी पढ़ा दी है। हमें ये भूलने की बुरी आदत है कि हम क्या हैं। हमारे लोगों में एक मनोवैज्ञानिक दबाव है क्योंकि हम पर सदियों तक कई शासकों ने राज किया। पिछले 1500 वर्षों में देश ने समय समय पर विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है, लेकिन अपनी ही गलतियों और गद्दारों के कारण देश बार बार गुलामी के चक्र में फंसता रहा। इस बीमारी से निपटने की जरूरत है, नहीं तो ये होता रहेगा। आक्रमणकारियों को एक स्थायी संदेश देने के लिए हमें अपनी कुछ बुनियादी गलतियों का इलाज करना होगा और यही आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।